ऐसे भगा के जा रही है, ये लड़की गाड़ी देखी नहीं, आजू बाजू भाई कोई है कि नहीं। कॉलेज की स्टडी भी कर लेते हैं साथ, ये लड़का लड़की को चुमना चाहती कर रहे आज के बाद तेरे कहने पे मैं कोई प्लान नहीं बनाऊंगा, कोई प्लान नहीं बनाने वाली है आज के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन आ गया है वापस मुंबई जाने का, और मैं वेट कर रही हूँ पूजा का। वो एक्चुअली अपनी मासी के घर गई हुई थी, तो वहाँ से आ रही है, तो आ गई है। मम्मी लोग गेट पे गए लेने के लिए, शायद गेट पे ताला लग गया था। तो वही हम सोच रहे हैं कि अभी रात के बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी निकलें या कल मॉर्निंग में निकलें। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, तो देखते हैं क्या प्लान होता है, उसके बाद आपको बताती हूँ। और जाने के नाम से मैं लो हो चुकी हूँ, मेरा बीपी भी लो हो गया है। धोखेबाज लड़की ये है, देखो धोखेबाज लड़की। 3 तारीख को यहाँ आने वाली थी, आज ये 5 तारीख की रात को आ रही है। आज के बाद तेरे कहने पे मैं कोई प्लान नहीं बनाऊंगी, कोई प्लान नहीं बनाने वाली मैं आज के बाद तेरे कहने पे मैं कोई प्लान नहीं बनाऊंगी। इस लड़की की वजह से सारे प्लान खराब किए इस लड़की ने मेरे, पूरी मेरी छुट्टियां बर्बाद, कहीं नहीं गई मैं इसके चक्कर में। ठीक है, जाएगी अब तो अकेली जाएगी दिल्ली। रुक जा, हाँ मुड़ा दी तेरी हड्डी। बैग भी उठाने, अभी कहाँ हीरोइन बन के चल रही है तू? हाँ हूँ, क्या कर रही है? हाँ रख लिया शॉल, मैं ही ओढ़ूंगी इसे। कम्बल ले जाते देख लिया मैंने कहाँ रखे हैं, यहीं से निकाल के देना बस वाले को। ठीक है, बस वालों को तुम लोग यार, चल चल, शर्म आ रही तुझे? आ रही है मुझे? आएगी जो, चलो भाई सदमे से, सदमे में गए हुए लोगों, उठो हमें विदा करो। चलो चलो चलो, तो मेरे पास है क्या पिट्ठू बैग? उसमें अचार डाला हुआ है, जो उसमें मेरी पानी की बोतल से लेकर 3 पानी की बोतल आ जाएंगी उसमें उतनी। मेरा वो भी नहीं डाल गए ना। अल्लाह मचा। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं, मॉम बाय, मम्मा बाय बाय, ख्याल रखना। पापा आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए, मम्मी यहीं से टाटा बाय बाय। भाई हम लोग पहुंच गए, तो उसके बाद नींद आ गई थी, और अभी सुबह सुबह लोग सब उठ गए, जा रहे हैं अपनी अपनी ड्यूटी करने। और मेरा टिकट अभी तक कंफर्म नहीं है, तो 3 बजे पता चलेगा कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। वो भी टेंशन है, नहीं तो फिर फ्लाइट का टिकट मारना पड़ेगा। तो भैया भाई सब रेडी हो गए हैं, भाई सब चाय पी रहे हैं। तू तो आलू के पराठे खिलाने वाला था यार भाई। तो गाइस भाई लोग सब ड्यूटी व्यूटी चले गए हैं, और अभी दिन हो गया है, और हम पूरा सुबह से ये लड़की साफ सफाई में लगी थी, पूरा घर साफ वाफ किया, और अभी हम रेडी होके बैठे हैं क्योंकि प्रिया भी दिल्ली में है। प्रिया को आप सब जानते हो, तो प्रिया दिल्ली में है, वो आ रही है गाड़ी लेके। उसने बोला मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, लेकिन वो आते आते इतना ट्रैफिक में फंस गई है कि लेट हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो घर पे आ जाए, बैठे चाय वाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है हमारा। और मेरा टिकट भी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, 3 बजे पता चलेगा। तो भाई हमें ही निकलना पड़ा क्योंकि प्रिया थक गई है गाड़ी चला चला के, तो बोल रही है कि तुम ही आ जाओ, कहीं घूमने निकलते हैं सीधे, फिर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर ट्रैफिक में फंसेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, और उसका फ़ोन भी 2% है, वो कह रही है फ़ोन ऑफ हो जाएगा, तुम पेट्रोल पंप पे आ जाओ, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे को देख लिया ये मंदिर नहीं दिखा सामने। हाय मैडम, मैं आगे नंबर कहाँ देख रही हूँ, मैं आगे बहुत जाम है, ऐसे भगा के जा रही है ये लड़की, गाड़ी देखी नहीं रही आजू बाजू भाई कोई है कि नहीं। मेरे को भाई इतना लगे ट्रैफिक है, और ऊपर से बैटरी 1% है, वो देख, मैं वही बोल रही थी वीडियो में, मैंने कहा पता नहीं वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका वो भी नहीं लेके आई है चार्जर, में चार्जर लेके आई हूँ। चलो कहाँ मचाना है फिर, कहीं भी चलो, यहाँ से और कोई रास्ता है जाके बहुत ट्रैफिक है। तो भाई घूम रहा तो बोल रहा है सजा हो गया सीधा, वही बोल रही यहाँ से तो नहीं आ सकते, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, और अभी हम लोग
कहीं पे गाड़ी पार्क कर देंगे क्योंकि गुंजवा को आ रही है उल्टियां। मुझे मालूम नहीं था कि इसको इतना ज्यादा गाड़ी से प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा कॉलेज की स्टडी भी कर लेते हैं साथ ही। लड़का लड़की से चुनना चाहती कर अरे बाप रे, ये आया ना किरोडीमल कॉलेज, ये मेरा कॉलेज है पर मैं इसमें पढ़ी नहीं हूँ। मैंने अपने फेसबुक पे किरोडीमल इसलिए नाम लिख दिया क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का नाम किरोडीमल है। क्या था ये? मैं तो नहीं खाने वाली ये, मतलब मीठा ना हो बस, मीठा तो अलग से डलता है। ठीक है ना, आवाज दे दो इस पर। फिर से मैं तो जाती रहती हूँ ना, ये मैं क्या करूँगी इसका। हाय, हमने पानी, चलो हमने पानी पूरी खा लिया, इस लड़की को चाय का मन लगा है। ऐसा कुछ ब्लिंकी टॉप देख ले, चमदम चमदम भाई। तो पानी पूरी खाई, अच्छी लगी, खट्टी खट्टी। नीचे देख के चलना, केक मत काटना। मैं पहले कटा कटे हुए केक को हम क्या काटेंगे गाइस? ये पता नहीं कहाँ गलियों में लेके जा रही है चाय पीने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे मेरा सैलॉन जहाँ मैं जाती हूँ तो उसके पास में चाय की दुकान है, मुझे उसकी चाय बहुत पसंद है तो मैं वहाँ जाकर पी लूँगी। तो मैं ये बोल रही थी, मेरा अभी तक चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो भगवान जाने क्या होने वाला मुझे, है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शायद नहीं जा पाएगी मुंबई। प्रिया के साथ ही जा रही हूँ, पता चले दो चार दिन बाद। अरे फिर तो और मजा आ जाएगा ना मुझे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं फिर ऐसे ही करूंगी, अगर ये आज नहीं गई और अगर कल भी इसका जाना नहीं हुआ तो मैं फौरन अपने टिकट का जुगाड़ करूंगी सेम ट्रेन। वाह, और निकल जाएंगे। चलो भैया देखते हैं क्या होता है, फिलहाल अभी हम आ गए हैं चाय पीने, कुल्लड़ वाली चाय पीने आए हम लोग। कुल्लड़ वाली चाय कितने का है? तुम वेज खाने वाली हो? मैं वेज वेजिटेरियन। ये नॉन वेज? नॉन वेजिटेरियन। हाँ, ये कौन सा है? चिकन। ये है चिकन, खाओ कुकड़ू तुम। वाह, ये स्पाइसी चटनी है। या ये है बहुत स्पाइसी चटनी और यहाँ के। ले भाई तू तो खा, तू क्यों मेरी वजह से वेट कर रही है। फेमस मोमोज हैं डॉलमा आंटी के मोमोज, और इसकी चटनी बहुत ही स्पाइसी है, मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ और ये बहुत गर्म है। मजा आया? ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें दिल्ली घुमाया। तुमने घुमाया क्या? इधर रोहित आ गया हमको लेने के लिए। चलो जी बाय, मुंबई में। ओके बाय बाय, टिकट हो जाए बस मेरा। भाई हम लोग आ गए घर हमारा, और चीयर्स। इसे दारू मत समझना, ये कोल्ड ड्रिंक है। तो गाइस पौने तो हो गए, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, रोहित भाई भी जा रहा है, भरत भाई भी जा रहा है, अतुल भाई भी जा रहा है, तीनों जा रहे हैं। पूजू तू आराम से सोना, तू आराम से सोना 5 बजे तक। पानी भी डाल के आया कर भाई। तो हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, मेरी टिकट कंफर्म हो गई फाइनली। पूरी रात में यही देख रहे थे टिकट कंफर्म हो गई कि नहीं, मेरी आंखें भी सूज गई। तो भाई हम लोग बैठ गए हैं, टिकट कन्फर्म हो गया और भाई लोग मुझे बैठा के निकल गए घर के लिए। और सेकंड एसी में अगर आपको टिकट मिलती है और साइड वाली सीट अगर आपको मिल जाए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। ये देखो पूरी सीट, आप अपना कर्टन लगाओ, अकेले की सीट, किसी का ना आना ना जाना। तो बस यार फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मैं चली सोने, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज वेव्स। थैंक यू सो मच, टाटा।